हेलो एवरीवन, राम राम जी। तो आज हम आए हैं बीकानेर के डेजर्ट एरिया में कुकिंग करने के लिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम एक डेजर्ट एरिया में कितने कम सामान के साथ एक बेहतरीन स्नैक्स को रेडी करेंगे और साथ साथ हम इस नेचर का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ में मैं आपको यह भी बताती रहूँगी कि हमें कुकिंग करते टाइम किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं कुकिंग करने के लिए डेजर्ट में आई हूँ, आप सिर्फ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो 200 ml दही ली थी उसको मैंने एक मलमल के कपड़े में डाल के टंगा दिया था, ताकि जो उसका एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाए। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून देगी लाल मिर्च। अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, जिसको हम थोड़ा हाथों से क्रश कर लेंगे। और अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून अजवाइन, जिसको इसको भी हम हाथों से क्रश कर लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सॉल्ट टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे मैंने इसमें डाला है 1/2 टेबलस्पून। और अब डालेंगे इसमें हम 1/4 हल्दी पाउडर। और अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल्स। अब हम इन सभी को, इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये हमारा मैरिनेशन का मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें वेजीज ऐड करेंगे। लो जी, रेडी है। अब तो सबसे पहले हम डालेंगे ओनियन के पीसेस। तो हमने यहाँ पे लिए हैं ओनियन के पीसेस। और अब डालेंगे ही इसमें हम कैप्सिकम, जिसको मैंने क्यूब में कट कर लिया था। और अब डालेंगे हम इसके अंदर टोमेटो। और सबसे लास्ट में डालेंगे हम पनीर की कुछ क्यूब्स। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं आप सभी को यही प्रेफर करूंगी कि आप हाथ से ही इन सभी को मिक्स करिएगा, और इसके ऊपर जो मसाले की कोटिंग है वेजीज के ऊपर, वो हाथ से ही अच्छे से बराबर से आएगी। और जो हमारा पनीर है ना, वो सॉफ्ट होता है, और वो अगर हम हाथ से करेंगे तो टूटेगा नहीं, अगर स्पून से करेंगे तो वो उसकी शेप है जो बिगड़ जाएगी। ये रेडी हो गया है। जो हमने हमारी वेजिटेबल्स थी उनको हमने मैरिनेशन होने के लिए 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ देना है। तब तक हम अपना चूल्हा रेडी कर लेते हैं। अब हम इन सभी वेजेस को एक एक करके स्टिक के अंदर डालेंगे।
तो सबसे पहले हम इसमें हार्ड वेजिटेबल डालेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ओनियन, उसके बाद लेंगे हम कैप्सिकम, फिर लेंगे टमाटो, और फिर लेंगे हम पनीर के पीसेस। हमें इस साइड भी ऐसे ही सब्जियां लगानी है और इस साइड भी हम ऐसे ही सब्जियां लगाएंगे। तो यहाँ पे टमाटर था तो यहाँ पे भी हम टमाटो ही लगाएंगे, क्योंकि जो पनीर है वो फिसल जाता है, इसीलिए हमें दोनों साइड इसके थोड़ी सी हार्ड वेजेस लगानी पड़ेंगी। ये हो गई हमारी एक स्टिक रेडी। तो इधर हमारे आप पनीर टिक्का बनने के लिए रेडी है, और इसके लिए हमने यहाँ पर चूल्हा भी रेडी कर लिया है, जो कुछ ही देर में अच्छे से रेडी हो जाएगा। तब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे पनीर टिक्का रेडी करेंगे, तंदूरी पनीर टिक्का। ओके, यू आर फीलिंग सैंड इन ट्रक? यस। ओके, आर यू एंजॉयिंग? आर यू एंजॉयिंग? हमारा कोयला रेडी हो गया है। अब हम एक एक करके इन स्टिक को यहाँ पे रखेंगे। आप बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये लोहे का है और बहुत गर्म होता है, कहीं हाथ ना जल जाए। हमें इसको चारों ओर से अच्छे से भूनना है। अब हम इनको चारों तरफ से घुमाते हुए सेक लेंगे, ताकि ये चारों ओर से बराबर से सिक जाए। हमें इनको पलटते रहना है ताकि एक ही साइड से ना सिके, चारों तरफ से अच्छे तरीके से सिक जाए। हमारा पनीर टिक्का एक साइड से सिक चुका है, इसलिए हमने इसको इधर पलट दिया। जब अब हम इसको दूसरी साइड से भी ऐसे ही सेक लेंगे। चीकू, मम्मी, व्हाट आर यू डूइंग बेबी? लुक सनसेट, लुक चीकू, सनसेट, सनसेट, व्हाट इज दिस? से स्माइल, से चीज, से चीज। हमारा पनीर टिक्का रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे गरम गरम हरी चटनी के साथ, और साथ में कुछ अनियंस एंड लेमन। बहुत ही अच्छा बना है। मैंने आज पहली बार डेजर्ट में शूट किया है, और ये हमारे फैमिली का एक छोटा सा पिकनिक भी हो गया, और हमने यहाँ डेजर्ट में शूट भी कर लिया, और इतना अच्छा खाने को भी मिल रहा है। कुकिंग करके मुझे आज बहुत मज़ा आया। तो आप भी ऐसे ही इंजॉय करें,
हमारे साथ में, और एक बार जरूर आप अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर जाएं या घर पे भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।